हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज फिर आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, चटाकेदार रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग सा स्ट्रीट फूड अपनी किचन में, और ये स्ट्रीट फूड आपको फरीदाबाद के अलावा कहीं पर नहीं मिलेगा। तो खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है और बनाने में उतना ही ईजी। तो चलिए देखते हैं इस स्ट्रीट फूड को हम अपनी किचन में किस तरह से बना सकते हैं। ये है बहुत यूनिक सी रेसिपी, तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले लेंगे उबले हुए आलू, जिनको अच्छे से आपको मैश कर लेना है। यहाँ मैंने ये 3 से 4 आलू बॉईल करे थे जिनको लिया हुआ है। 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर, देन टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक, 1/2 टीस्पून है। अब बहुत अच्छे से इस मिक्सचर को हमें मिला लेना है, बिल्कुल डो फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल डो फॉर्म में हमारा पूरा मिक्सचर आ गया है। तो लेंगे इस मिक्सचर के पोर्शन को और एक लेंगे ब्रेड का स्लाइस। ब्रेड के स्लाइस के ऊपर बहुत अच्छे से मिक्सचर को हमें लगा लेना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये पूरा मिक्सचर हमने ब्रेड पे एक तरफ लगाया, देन आप दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से पूरा मिक्सचर को फैला लें और पूरी ब्रेड को कवर करते हुए लगा लें। तो सारे ब्रेड के स्लाइसेस जितने आपको ये अपने डोसा जो है वो प्रिपेयर करने हैं, उतने आप स्लाइसेस पर बहुत अच्छे से पूरे मिक्सचर को इस तरह से अप्लाई कर लें। देन आपको ऑयल को कर लेना है अच्छे से गरम, और इसे हम बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको अलटते पलटते हुए बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। गाइज, ये बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है ये डिश, खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही यूनिक तरह का ये स्ट्रीट फूड है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद में ही देखने को मिलने वाला है। तो आज मैं इसे अपनी ही किचन में ट्राई कर रही हूँ। आई होप ये आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना हमें अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये हमारा फ्राई हो चुका है, मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। अब क्या करेंगे, इसे हम करेंगे पीसेस में कट। तो यहाँ पर इसे आप अपने अकॉर्डिंग बड़े छोटे पीसेस कैसे भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। अब बहुत सिंपल है इसकी प्लेटिंग करना, तो चलते हैं सेम वैसे ही प्लेटिंग करते हैं जिस तरह से आपको यहाँ आपको स्ट्रीट फूड में मिलता है। तो डोना लिया है, डोने में हमने ये पीसेस कट करके जो रखे थे लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर से आपको डालने हैं चने। जी हाँ, जो हम चना मसाला जो है घर पे बनाकर तैयार करते हैं, सेम वैसे ही छोले जो आपको बना लेने हैं और इनको ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। तो ये लीजिए, हमने पूरा चने को अच्छे से डाल लिया है। अब इसके ऊपर से ऐड करना है हमें चटनी। तो यहाँ पर मैं ग्रीन चटनी जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये होममेड चटनी है मेरी ग्रीन चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर करी हुई है। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ी सी रेड वाली चटनी। तो ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, जो कि इसके टेस्ट को और भी कई गुना बढ़ा देती है। तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देन इसके बाद आपको ऐड करना है ऊपर से कटा हुआ प्याज। साथ में ही इसमें हम लगाएंगे स्पून, जो कि बिल्कुल आपको स्ट्रीट फूड मिलता है मार्केट में सेम वैसे ही, और लगा के स्पून आप इसको हॉट हॉट सर्व करें। सो गाइज, इसे ज़रूर से ट्राई करें। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।